फाइनली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटर एवं मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित है। उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर एवं मैट्रिक का रिजल्ट डेट जो है जारी कर दिया गया है। आप सभी का इंटर एवं मैट्रिक की कॉपी की मूल्यांकन जो है किस डेट से किस डेट तक होंगे और कहाँ कितने बनाए गए हैं, इंटर में कॉपी जांच करने के लिए कितना है, मैट्रिक में कॉपी जांच करने के लिए कितना है, कुल टोटल आने की कितना है, किस केंद्र पर सबसे अधिक जो है कॉपी को सेंड किया गया है, किस डेट को जो है आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा और कहां से और किस प्रकार से आप सभी को रिजल्ट चेक करना है, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं क्योंकि बिहार बोर्ड ने सारा का सारा लिस्ट जो है जारी कर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो आप लोग नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जो है मिलता रहेगा। सबसे पहले जो है सारा का सारा बायोडाटा चेक करने के लिए अपने फोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर आप सभी को सर्च करना है। जैसे आप सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी सेंटर आ जाएगा, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा थ्री पट्टी। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं थ्री पट्टी देखने को मिलेगा, इस पर आप सभी को क्लिक करना है। नीचे रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा, रिजल्ट वाला पर आप सभी को क्या करना है क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक रिजल्ट डेट 2023, इस लिंक पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा, ये आर्टिकल जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को स्टेप बाई स्टेप जो यहाँ पर बारीकी से जो यहाँ पर जानकारी दी गई है तो आपको क्या करना है शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाई स्टेप पढ़कर समझ लेना है। देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक की मूल्यांकन की तिथि जो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूँ तो 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जो है मैट्रिक की मूल्यांकन होंगे और इंटर की बात करें तो 5 मार्च तक जो यहाँ पर इंटर की कॉपी की मूल्यांकन यानी कि कॉपी की जाँच किए जाएंगे। अब जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर सारा जानकारी जो यहाँ पर दी गई है, इंटर में कुल कॉपी की जाँच जो करना है यहाँ पर 69,44,777 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है किया जाएगा और मैट्रिक में मूल्यांकन की बात करें तो कॉपी की जांच जो है 96,63,774 उत्तर पुस्तिका की जांच जो है होगी। इसके लिए जो है 27,006 प्रधान और सह परीक्षक सभी को जो है लगाए गए हैं। वही 11,785 AMP की भी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। आप सभी को यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कॉपी की मूल्यांकन होंगे उसी प्रकार से तुरंत जो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कंप्यूटर पर अंकों की प्रविष्टि की जो है यहाँ पर बाद जो है दोबारा मिलान किया जाएगा, आपका जो है अंक चढ़ाकर फिर से दोबारा मिलान किया जाएगा। इसके लिए जो है 1599 और यहाँ पर जो है मैट्रिक में 2236 मेकर और चेकर लगाए गए हैं और नियुक्ति भी यहां पर की गई है। मेकर और चेकर अंकों का सिर्फ जो यहां पर मिलान करेंगे। इंटर में इंटर के लिए जो 1599 मेकर चेकर को लगाए गए हैं और मैट्रिक में 2236 मेकर चेकर को लगाए गए हैं, सिर्फ अंक को जो है यहां पर मिलान करेंगे कि सही से उसमें मान गए आपका बायोलॉजी में 75 अंक आ रहा है, मैथ में 80 अंक आ रहा है तो वहाँ पर तुरंत चढ़ा दिया जाएगा। तो वो चढ़ाया हुआ अंक को मेकर चेकर जो यहाँ पर मिलान करेंगे कि सही अंक चढ़ा है या नहीं, तो इसके लिए जो यहाँ पर नियुक्ति किए गए हैं सारा का सारा जानकारी जो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने ये भी जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर यहाँ पर बताया गया है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का रिजल्ट जो है मार्च में ही यहाँ पर आएगा, मार्च में जो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो है 16 या 17 मार्च को बिहार बोर्ड जारी कर दिया गया। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड द्वारा ली गई इंटर परीक्षा 2023 का रिजल्ट मार्च में ही घोषित कर दिया जाएगा, वही मैट्रिक का रिजल्ट जो है 31 मार्च तक या अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगा। यानी कि इंटर की बात करें तो यहाँ पर मार्च में जो है थर्ड वीक में जो यहाँ पर 15 या 16 मार्च को जो है इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, मैट्रिक का रिजल्ट जो है 31 मार्च से पहले जारी कर दिया जाएगा। पिछले साल जो यहाँ पर 31 मार्च को ही जारी किया गया बट उसमें लेट हो गया इसलिए कि सोशल साइंस का पेपर भी वायरल हो गया था, उसको रद्द कर दिया गया था, फिर से एग्जाम लिया गया इसलिए जो यहाँ पर 4-5 दिन लेट हो गया तो 31 मार्च को जारी किया गया। बट 2023 में जो यहाँ पर 31 मार्च से पहले ही यहां पर जारी कर दिया जाएगा क्योंकि जो इसकी जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने जो यहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय में जो है आयोजित संवाददाता
सम्मेलन में जो है यहाँ जानकारी जो है बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इंटर और मैट्रिक के मूल्यांकन की तैयारी जो है जोर शोर से जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इंटर का मूल्यांकन 24 फरवरी से 5 मार्च तक जो है चलेगा, वहीं मैट्रिक का मूल्यांकन 1 से 12 मार्च तक होगा। बताया कि होली की छुट्टी के बीच में जो है मूल्यांकन कार्य जो है छुट्टी के बीच जो है मूल्यांकन कार्य नहीं होगा। बता दें कि इंटर की परीक्षा 1 से 11 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा जो है 14 से 22 फरवरी तक जो है। रिजल्ट जो है इंटर का रिजल्ट जो है 15 या 16 मार्च को जो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा और मैट्रिक का 24 या 25 मार्च को जो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। यानी कि इंटर एवं मैट्रिक का रिजल्ट जो है मार्च महीने में जो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो है मात्र जो है 10-12 दिन में कॉपी की मूल्यांकन जो है समाप्त कर दिया जाएगा इंटर मैट्रिक की। उसके बाद टॉपर का वेरिफिकेशन होगा, टॉपर का दोबारा कॉपी जांच की जाएगी, उसके बाद जो यहाँ पर आप सभी का रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। आप लोग रिजल्ट कहाँ से और कैसे चेक कर पाएंगे तो यहाँ पर लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। जैसे रिजल्ट जारी होगा यहाँ पर लिंक दिया गया है, लिंक 1 पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको रोल कोड डालना है, उसके बाद रोल नंबर डालना है और नीचे जो एक कैप्चा कोड जो है 98 कितना हो गया 17 हो गया 17 जो इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है, आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा मार्कशीट के साथ में। तो यहीं से आप लोग डाउनलोड कर पाए।